Good afternoon. My name is Bal Pooja. I am a student of IPHI from first semester. And today is my topic is function of heart. जैसे कि हमें पता है ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है हार्ट का वो होता है ब्लड को पंप करना. तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर और जैसे कि हमें पता है जो हमारा हार्ट होता है वो दो ब्लड कैरी करता है, एक ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. तो ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वेना का बैंड इन्फीरियर वेना का बैंड से हमारा जो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है. और फिर जब हमारा ये राइट एट्रियम पूरा ब्लड से फिल हो जाता है तो यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वॉल जो होती है वो अपने आप ओपन होके ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देती है. और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में. तो ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारा लंग से कनेक्ट होता है. जैसे कि हमें पता ही है कि लंग में हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा तो हमारा वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर वहाँ से हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन से. तो ये जो हमारी वेन दिख रही है ये पल्मोनरी वेन है और ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती है. और लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा थ्रू बाइकैप्सिड वॉल. ये बाइकैप्सिड वॉल है, बाइकैप्सिड वॉल से हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करेगा एओर्टा में थ्रू एओर्टिक वॉल्व से. ये हमारे यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व से ये एओर्टा में ब्लड को पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो ये जो हमारा एओर्टा है वो आगे जाके अपना एक चैनल बना लेती है. जैसे एओर्टा कन्वर्ट होगी मीडियम साइज आर्टरीज में, मीडियम साइज आर्टरीज में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा एड्यूल्स में कन्वर्ट होगा फिर कैपिलरीज में. और जैसे कि हमें पता है ये कैपिलरीज बहुत थिन पाइप होती है तो वहाँ पे मतलब गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सकते हैं टिश्यू में. तो टिश्यू जो होती है वो अपनी ऑक्सीजन ब्लड से ले लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा टिश्यू ऑक्सीजन ले लेगा एंड जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये सब सारे हमारा कौन लेगा, वेन्यूल्स लेगा. तो ये वेन्यूल्स जो होते हैं फिर कन्वर्ट हो गए स्मॉल वेन्स में और फिर लार्ज वेन में. एंड देन ये जो लार्ज वेन से फिर क्या होगा, कनेक्ट होता है हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का. तो ये क्या होता है फिर ऐसे हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है ब्लड का. थैंक यू.